कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहां कह दे कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट और, कहते हैं 24 मिनट भी अगर तू भक्ति, सत भक्ति, सतनाम की, सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन सोचने बर्बाद कर रहे है अपने आत्माओं। क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी गाड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाती। यहाँ घड़ी इसलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करें, एक घड़ी तो करें, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़ जाए। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता और रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ना वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, एक जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते हुए फांके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बढ़ जाती, और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तो करे, फिर ये कर्मों का पाप नरम आ जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सपने रहन के उगड़ आए नैने, जीव पड़ा भूल लूट में जागे तो लेन देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सपने रहन के, ये रात जैसा सपना है आपको, आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में देखते हैं ना कई बार, तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखे साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न हैं, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सपना समझो, और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई यानी मृत्यु होगी, तो जग गए तो लेन न देने। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आवे इसको जाकर के, अरे बेटा था बेटी थी कहाँ थी, ऐ तेरे की कुछ भी ना था, उन्हें धक्के खा रहा था, मतलब सपना था वो। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करो, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा, इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें इस, तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी ऋषि संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारंभ में कर्म है भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ, फिर इस भक्ति का यूज क्या। जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आके उस कुत्ते का लठ मारे, रोक के उसने लठाला आ जा, उसने एक तरफ भगा दे, तो सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया, सुख का को हो बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपके पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तों का लठ लग गया, इन पागलों के, और ये अपनी दिशा बदल दें और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तब तो बात बने, अब आ खुल बस दापे नहीं रहा, कुछ भी ना था वो, जैसे भी टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस जो कोई टेंशन है किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे जब चैन हो है। और ये कहने पर आप तो भोगना ही पड़ेगा, सपने में दुख तो दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गढ़ंत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है।
आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फेरा ये ढोर चरेंगे गासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर अंडेंगे, घूमया करेंगे। आड़ जने जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदास। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव। कहती आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रोंगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम, 17वीं वीर वर्षीवीर महीना वीर वो 13वीं वीर 10 दिन में करके फारे कर दें। कोई आज आप अपने दादाजी को कितना याद करते हो, कभी कोई पूछ ले गांव को पूछ ले कि किसका है कहां से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए जब ना तो कोई ना याद करता दादाजी ने। तो पुण्यात्मा या भूल ला रखी काल ने, और इन काल के दूता ने हमें ऐसा उलझा रखा है कि पुत्र बिना मोक्ष नहीं। अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुण्यात्मा बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। आजकल उन अज्ञानी लोगों की और फिर समाज के दबाव में हमारे भक्त आत्मा भी प्रेरित हो जाते हैं, जिसके एक दो पुत्री है तो इन्होंने सोचा पुत्र हो भगवान, पुत्र जरूर हो, क्योंकि वो इंजेक्शन लावे डेली, कदे पड़ोसन आ जाएगी कोई रिश्तेदार आवेगा, एक पुत्र तो चाहिए था, एक पुत्र तो होना चाहिए। दास जब सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, एक ठेकेदार था मदीना गांव मदीना डांगी का, और वो 65 साल की उम्र का आदमी, तो उसके 4 लड़कियां थी और बड़ी लड़की ब्याह दी, 2 लड़कियां तकरीबन सारी ब्याह शादी कर दी। फिर प्रेरणा कर दी किसी ने, कहेंगे कोई एक पुत्र तो हो, पुत्र तो होना चाहिए, तो उसकी पत्नी ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि पुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरी, उसकी कोई मौसी की लड़की थी क्यों करके उसकी शादी करवा दी। अब वो बताओ, खुद बताओ था ने बोला जी ऐसा हुआ वो फिर जुड़वा 2 लड़की होगी उसके, 5 तो पहले थी और 2-2 के और आने लग गए, फिर वह छक्के मन तो ऑपरेशन करा के पांडा छुटवाया उसका। तो परमात्मा कहते हैं या हमारी बौली 8 से परमात्मा जो देगा वही होगा, और अगर आवश्यक होगा, अब आपके पास वो परमात्मा कबीर है, कबीर जी वो है, अगर आपके संस्कार में कोई सुयोग्य संतान होगी तो पुत्र भी दे देगा। ना तो आज वर्तमान के 80% पुत्रों से ये माता पिता दुखी हैं, पुत्री तो शादी कर दी हुई पराई, यहाँ रहती है तब आपका पूरा काम करे, कभी आज्ञा का अवेलना नहीं करती लड़कियाँ, और पुत्र छोटा ऐसा लाग जा रहा खोए अलान ना करूँ क्यों, और बेटी कभी नहीं बेचारी मना करती। तो हमने इन अज्ञानी अनजान ऋषि संतों के अज्ञान के कारण हम इतना भेद बना बैठे थे एक आत्मा में, आत्मा वही बेटी और बेटे की। तो इस प्रकार हमारी इन नकली संतों ने हमारा समाज व्यवहार कति बिगाड़ दिया, हमारी सोच बदल रखी थी, जिस कारण से हम आधे से ज्यादा तो न्यों दुखी रहा करते थे। अब वर्तमान में आप देख रहे हो पुत्र, ये बुरी बात नहीं है पुत्र है, अब लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका फिर पुत्र हो चाहे पुत्री आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से इस ज्ञान में भगवान के रंग में रंग जाएंगे और परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति से आपके साथ रहेगी।
और मान ले कोई छोटा मोटा संस्कार में कोई निकम्मा बालक आ भी गया तो उसने मालिक ठीक करेंगे, सीधा करेंगे उसको, किसी प्रकार भी करें चाहे, आपको दुख नहीं होने देंगे। तो इसलिए परमात्मा की हम चाह में भटका करते थे कि वो सारे ही सुख दिया करता है। कबीर, हाड जले लकड़ी जले और जले जावण हारे, और देखण आले भी जले, अब किस तें करूं पुकार। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो किसी की मृत्यु होगी वो तो जले, और जो उसको जलाने जाएंगे एक दिन वह भी जलेंगे, और जो देख रहे हैं खड़े होकर के फलाना मृग्यार देखो उसकी चिता जले है, और वह भी जलेंगे एक दिन, उनको भी वहीं जाना है। पर वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमने डर ना लगता कि हम भी वहीं जाना है, हमने भी एक दिन वहीं जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बिसारी बावड़े तन अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो अटे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जाए तो उसके चेहरे की, उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था संत के पास, बढ़िया फलों के दर्दन फल, सेब संतरे ले आया करता। तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहाँ दूध लेते थे तो वहाँ डेग सा भरा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी भरी रहती थी। वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर खार बना के खिला देते थे। दूध आता था, चाय पानी दूध पी लेते थे अपना, थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक काफ़ी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल टा गया, कुछ दक्षिणा दिया था। तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी आप कुछ चिंतित से रहते हो, क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे भाई मैं खा लेता हूँ जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन, के महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं, आप। संत जी कहने लगे भाई मुझे बहुत चिंता है, और इसलिए मेरे पर कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने, उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, महाराज ऐसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हो, पर संतों को क्या चिंता। उसने कहा महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है, मेरी, मैं मरूंगा, इसलिए मैं, मेरे पर ज्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे जी कब होगी आपकी मृत्यु। अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में। उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी भगत कहने लगे हे महाराज जी यह भी कोई चिंता हुई, मरना तो सब ने है, मृत्यु तो सबकी होगी, पर साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो, मौज करो, हैं ये तो सब ने मरना है क्या। अब प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा करें, ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लक्षण डाले।
अब उस संत ने सोचा यो